गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़े और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। आज हम पढ़ेंगे मौसम धार विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक होगा ई भाग विधि द्वारा महत्तम समय पर तक अर्थात मौसम ज्ञात करना। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग मौसम, ठीक है। हम इसी पढ़े पढ़े थे मौसम निकालना, अब भाग विधि द्वारा आज हम पढ़ेंगे धार विधि द्वारा। इसके कुछ भाग हम बताए थे पिछले वीडियो में शनिवार को, तो बताए थे कि मौसम ज्ञात करने से पहले देखते हैं कि एक संख्या में कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। जो संख्या बड़ी होती है उन संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, और भाग के लिए तब तक जारी रखते हैं जब तक अंतिम में उसका शेष शून्य या एक के बराबर न आ जाए। तो इसमें कुछ लिखेंगे एक दो लाइन इसके विश्लेषण के बारे में, ध्यान दीजिए आप लोग। लिखेंगे इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि यह देखा जाता है कि प्रश्न समूह में कौन संख्या सबसे बड़ी है और कौन संख्या सबसे छोटी है और कौन संख्या सबसे छोटी है। ठीक है, कौन संख्या सबसे छोटी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, लिखा गया कि इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों में सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि प्रश्न समूह में कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन संख्या सबसे छोटी है। यहाँ पर यह प्रश्न समूह मान लीजिए आपको कहता है प्रश्न मान लीजिए 4 और 10 जैसे देता है, ठीक है, या 4, 10, 12, ठीक है। लिखा गया पर प्रश्न समूह क्लियर है। सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे लिखेंगे समूह में सबसे छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या है। लेकिन सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, ठीक है।
सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तब तक भाग की क्रिया तब तक भाग की क्रिया भाग की क्रिया जारी रखेंगे। तब तक भाग की क्रिया जारी रखेंगे जब तक शेष शून्य या एक प्राप्त न हो जाए समझेंगे इसको। सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तब तक भाग की क्रिया जारी रखेंगे जब तक शेष ठीक है शेष शून्य या एक प्राप्त न हो जाए। जैसे ध्यान रखेंगे एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए संदर्भ दिया गया है 4.12 का मौसम ठीक है संख्या मुझे 4.12 का मौसम ज्ञात करना है भाग बीस। अब देखते हैं सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में कौन संख्या सबसे बड़ी है। आपको दिख रहा है कि भाग संख्या सबसे बड़ी है और 4 क्या है छोटी है। अब यहाँ क्या करेंगे यहाँ 12 ठीक है यहाँ पर संख्या ले रहे हैं 15 ठीक है 15 लेते हैं। अब देखेंगे 4.15 कौन संख्या बड़ी है 15 तो बड़ी है 4 छोटी है। अब 15 में भाग देंगे आपको 4 से कब तक भाग देंगे जब तक अंतिम में शेष शून्य या एक ठीक है शून्य या एक में से कोई एक प्राप्त न हो जाए। जैसे भाग देते हैं ध्यान दीजिए सबसे बड़ी संख्या में क्या है 15 है उसमें भाग देंगे 4 क्लियर है समझिएगा। यहाँ भाग देंगे यहाँ एक और बात ध्यान देना है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं भाजक ठीक है क्या कहते हैं जी भाजक ये पर क्या है भाजक यहाँ पर क्या था भागफल ठीक है भाजक भाज्य यहाँ पर पद से भाग कहते हैं विशेष आता है विशेष कहते हैं यहाँ समझेंगे चाहते हैं 12 घटाएंगे तो 5 से 2 गया 3 1 से कट जाएगा ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना अब जो आपको संख्या 4 था ठीक है इसे तो भाग दिए 12 में अब ऐसे आ गया 3 क्लियर है समझ चुके हैं इसको। अब ये 4 जो है ठीक है ये 4 संख्या थी आपको यहाँ ये गिरेगा और फिर 4 में भाग देंगे 30 यानी आपका भाग्य आपका हो गया 3 और आपका भाग्य हो गया 4 यहाँ जो आएगा दाखिल करेंगे विशेषण करेंगे तो अब 4 को यहाँ होता है 4 की भाग देंगे 3 से यानी 3 एकम 3 ठीक है 3 एकम 3 चार में 3 गया 1 ठीक है 1। अब देखिए अब फिर जो आपका ये 3 है ठीक है इस 3 को फिर हम यहाँ करेंगे कहाँ जी यहाँ करेंगे 3 को यहाँ और फिर भाग देंगे 1 से भाग देंगे 3 में एक तिहाई तीन यहाँ क्या होगा तो यहाँ आपका पूरा होगा 0 क्या जी 0 वो लिखाए थे एक शून्य से कोई प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पे देखना है 4.12 का मौसम क्या हुआ आपको भाग दे दिया होगा भी लास्ट में आपको शून्य से दिया गया। अब यहाँ मौसम क्या होगा ये आपको ध्यान देना है तो ध्यान दीजिएगा भाग लेते समय है जो अंतिम में ठीक है जो संख्या अंतिम में इस मूल संख्या को विभाजित करता है वही हमारा मौसम होगा। यहाँ देखेंगे कि आपको अंतिम समय क्या है 1 से 3 क्या था
पूरा गाड़ी का कवर हो गया है, यहाँ पर कुछ से बच रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको शून्य से बच रहा है, अर्थात समोसा क्या होगा, समोसा का एक होगा, क्या होगा समोसा, चार पाउंड का समोसा क्या होगा, एक होगा, कैसे होगा हम देख चुके हैं, क्या क्या लेंगे बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं क्या बोल, मान लीजिए दो अंक था, ठीक है, मान लीजिए इसमें आपको ये दे रहा है तीन अंक, कैसे मान लीजिए चार कमा छः कमा चार कमा छः कमा सोलह, ठीक है, चार का सत्रह लीजिए, ठीक है, चार कमा छः कमा सत्रह, आप देखेंगे यहाँ तक का नौ सौ बराबर, यहाँ पर दो संख्या था, ठीक है, यहाँ पर तीन संख्या है, चार कम छः कम सत्रह, तो सबसे बड़ी क्या आपका सत्रह है और सबसे छोटी क्या आपका चार है, तो सबसे बड़ी भाग देंगे सबसे छोटी से, समझेंगे इसको इस तरह से, यहाँ सत्रह भाग देंगे आपको इससे भी चार से कटेगा, चार चुके सोलह, सात में छ गया एक, ठीक है, एक बच्चे गया क्या शून्य, अब यहाँ तो एक आ गया, ठीक है, अब ये पद जान करेंगे क्या जी चार, यानी यहाँ पर रहेगा चार कटेगा एक चौके चार, ठीक है, क्या प्रोसेस आ गया जीरो, यहाँ पर आ गया ये, अब यहाँ भाग दिए एक चौके एक चौके चार कठिन कट गया, अब यहाँ आपको बचा क्या आ गई सत्रह का चार का काम हो गया, अब क्या बचा आपका, बचा आपका छ, ठीक है, तो छ को क्या करेंगे यहाँ पे, और छ को यहाँ भाग देंगे फिर किससे जी, छ यहाँ लाएंगे छ को, ठीक है, और छ को भाग देंगे किससे, एक से भाग देंगे, फिर भाग देंगे छ से, एक भाग छ भाग देंगे एक से, एक छठे छ, ये कब रफर देना पाता शून्य, अर्थात चार कमा छ कमा सौ का मतलब क्या होगा, इसमें रफर एक ही होगा, क्लियर है, क्या भाई एक इसका भी मौसम होगा, सबसे पहले आप लोग दो अंक दिए गए संख्या इसको समझिए, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसको समझना है, तो चलिए ये आपका नियम और से कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मेरे ख्याल निम्न का नौ सौ भाग विधि से या भाग विधि द्वारा ज्ञात करें, ठीक है, क्वेश्चन का हेडिंग है, ध्यान देंगे क्वेश्चन, ए नंबर चार कमा दस, बी नंबर बारह कमा सोलह, सी नंबर बारह कमा बत्तीस, और डी नंबर बीस कमा तीस, ठीक है, चार क्वेश्चन है ए बी सी और डी, ठीक है, चार क्वेश्चन का हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है, क्या निकालना है कि इसका हमें निकालना है भाग विधि द्वारा मौसम, तो अभी बताए हैं जो अंक वाला इसको अगर सॉल्व कीजिएगा या जो क्वेश्चन दिया है आप लोगों को होमवर्क के रूप में इस आप लोग को सॉल्व करना है और समझना है, ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी हम वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 का इसका नियम और क्वेश्चन, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।